राम राम भाइयों, गुड इवनिंग। कैसे हो सारे? आई होप सारे अच्छे होंगे। और अभी रात हो गई और हम आए हैं गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में। तो यहाँ की मैं कुछ चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे मंदिर की। रात को भी ऑपरेशन होता है यहाँ पे और बहुत अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ें मतलब लाइटिंग वगैरह का रखी है फैंसी। तो मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें कैसे हैं कैसे नहीं सारी। देखो मेरे पीछे एक तो ये लाइटिंग वगैरह है, इनके ऊपर सारी सजा रखी है बढ़िया। और मैं अभी आगे से देखूँ, ये है मेन गेट। ये गेट का देखो ये लाइटिंग वगैरह बाहर से मैं दिखाऊंगा, जाते वक्त एक्चुअली लाइन लगना पड़ा था इसलिए फिर मैं बना नहीं पाया वीडियो, शूट नहीं कर पाया। और यहाँ पर ये है फ्रंट एंड का, देखो ये देखो ये है मंदिर। पहले से पूरे मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से जा सकते हो आप, इसके बाद फिर यहाँ से भी जा सकते हो। लेफ्ट में ये हमारे सवारियाँ वगैरह चल रही हैं बढ़िया, मोटर पोल करके हैं। सो ये है कुछ ऐसा मंदिर है, ये देखो सामने मतलब गोरखनाथ मंदिर है, इतना बढ़िया मंदिर है जो जी के शहर में बहुत ही अच्छा है। मतलब मज़ा सा आ गया भाई, मंदिर मंदिर हो तो ऐसा ऑपरेशन मतलब 24 घंटे चलता है मंदिर, रात के 1 बजे 2 बजे। और लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं यार, मुंबई से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से बंदे नहीं आते, बिहार झारखंड रांची हर जगह से आते हैं बंदे। मैं तो ऑलमोस्ट बहुत फेमस मंदिर है, तो कभी भी गोरखपुर आओ तो देखो कुछ घूमो ना घूमो बट गोरखनाथ मंदिर जरूर घूमना, वो भी दिन में नहीं। मतलब दिन में तो देखो लाइटिंग वगैरह होती नहीं है बट रात में ज़्यादा होती है, तो प्लीज़ रात में अगर आना हो तो रात में ज़्यादा बेटर होगा, दिन में तो लाइटिंग वगैरह होती नहीं थी। तो रात में ये मंदिर है, सामने भावी मंदिर है, इसके बीच में पीछे ये मंदिर है, सारी लाइटिंग रखी है, मेन मंदिर ये है, इसके बाद साइड में मंदिर और है वहाँ पे। तो मतलब काफ़ी बड़ा है और यहाँ से साइड में ही है आपका मेला वगैरह भी लगता है साइड में, बिल्कुल साइड में। पीछे पार्किंग है बहुत बड़ी, वहाँ भी मेला लगता है। आगे एक्चुअली मंदिर में अलाउ नहीं है, देखो वहाँ पर लिखा हुआ कि फोटो लेना सच मना है, मंदिर के प्रवेश परिस करके फ़ोटो लेना मना है, मतलब वीडियो शूट भी मना ही है यहाँ पे, प्रोहिबिटेड है। बट फिर मैं चोरी से चुपके से बना रहा हूँ, कोई बात नहीं, देखते हैं जब तक जैसा भी होता है जैसा भी नहीं होता। बाकी में ही बहुत बढ़िया मंदिर है, ये मंदिर का आपका है। और मतलब ये देख रहे हो क्या सजावट, ये देखो ये मतलब काफ़ी अच्छा मंदिर है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। बाकी में ये है मतलब देखो लाइटिंग देखो आप, नीचे गोल्डन ऊपर वाइट कलर की है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। इसके अलावा पीछे भी एक मैं वो भी दिखाता हूँ मंदिर वगैरह की, तो ये काफ़ी अच्छा बना था ये मंदिर, काफ़ी अच्छे। इसके पीछे भी मंदिर है, ये है मंदिर। लोग छोटे छोटे स्थान बना रखे हैं हर जगह लाइटिंग के साथ साथ, ये तो पेड़ पर कवर कर रखे लाइटिंग। इसके अलावा पीछे हो रहा है बट वहाँ पे अलाउड नहीं होगा क्योंकि मैंने चप्पल पहन रखी है और चप्पल पहन के मंदिर के अंदर जाना साफ है, तो मैं यहाँ तक भी आ गया हूँ, वो भी गलत है। बट ये वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है तो मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने यहाँ तक ही मतलब आया हूँ मैं, तो वापस जाते हैं मेरे साथ में और उस साइड चलते हैं मंदिर। ये मंदिर हो रहे हैं सजा के, बहुत अच्छी लाइटिंग कर रखी है बिल्कुल। तो यहाँ पे भी कलर बहुत अच्छा है ये सामने, ये तो फिर देखते हैं इस साइड, अब चलते हैं वाटरफॉल की साइड में। तो मेन एंट्री वहाँ से है, उसके जस्ट पीछे वाटरफॉल है। इसके अलावा ये एक मंदिर यहाँ पे भी अच्छी सजा रखी है, मतलब छोटे छोटे स्थान बना रखे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, रात में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इसके अलावा ये मेन एंट्रेंस है यहाँ से, और सर ये है और इसके पीछे ही मेला लगा हुआ है जस्ट सामने, बट यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो विच इज़ मतलब चार्जेबल, चलिए ये बोट वगैरह बैठ के ये आप देख सकते हो। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि रात में लाइटिंग भी जलती है, तो लाइटिंग भी होती है बट लाइट अभी जल नहीं रही, मे बी कोई फॉल्ट होगा या मतलब आया लाइटिंग वगैरह जल नहीं रही, तो ये लाइट जलते इसके पीछे वो दिख रहे हो सारे मेले की लाइट है। और अब हम निकलते हैं बाहर की साइड, सो ये है आप यहाँ भी वापस निकल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये है, ये मतलब एंट्री भी कह सकते हो, मेन एग्जिट भी कह सकते हो, इस वे से बंदे आ भी रहे हैं उस वे बंदे है मेन एंट्री। इसके आगे की पार्किंग है, मतलब ये पूरा जो ये बिल्डिंग वगैरह आगे देखो वो बिल्डिंग दिख रही होगी सामने, तो बिल्डिंग वगैरह भी सारी मतलब मंदिर के परमिशन के अंदर ही बनी हुई, सारी प्रॉपर्टी सारी मंदिर के बाहर हुई है, यहाँ से लेके सारी खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं। इसके बाहर मेन रोड है, वहाँ से वो अलाउ। चलो मैं बाहर एक बार दिखाता हूँ लाइटिंग वगैरह, नहीं सारी लाइटिंग बाहर दिखाता हूँ।
यहाँ से लेके ये मेंस के लिए लाइन लगती है, इसमें जब मैं लाइन लगाता हूँ बाहर की चीज़ें, ये वुमेंस की लाइन है, ये वहाँ तक लेके और ये अंदर अंदर और पीछे तक चली जाएगी। पूरे बहुत बड़ा मंदिर है, तो ये बाहर एग्जिट है, बिल्कुल यहाँ से निकल जाओगे आप मेन रोड पे, एंड देन ये रोड ये आएगा रेलवे स्टेशन के लिए, ये भी एग्जिट है, बंद कर रखा है। एंट्री मेन सामने से है, बिल्कुल उस साइड सामने से एंट्री है, वहाँ से आप आओगे, इसे पीछे पार्किंग है, फिर मेले, यहाँ से सारा मेला लगा हुआ है पीछे, यहाँ से ये मंदिर की परमिशन से एंट्री है सारी सारी, ठीक है। सो काफ़ी सुंदर व्यू है, देखो आप कितना बढ़िया लग रहा है, ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ से सामने, वो मंदिर मतलब जय श्री राम जय भोलेनाथ। ये मैं कह रहा था ये पार्किंग है यहाँ पे, मतलब गाड़ी ये तो वैसे बाइक पार्किंग है, गाड़ी पार्किंग यहाँ से अंदर उस रो में है, वो जो गाड़ियाँ निकल रही हैं सामने, सो वहाँ से आप गाड़ी लगा सकते हो। मेन एंट्री ये रही सामने यहाँ से, और ये सारी बाइक की पार्किंग, इसके पीछे दुकानें हैं और पीछे भी मतलब दुकानें हैं, बहुत सारे मेला टाइप का लगे हुए खिलौने के लिए, प्रसाद प्रसाद सारे श्रृंगार सब सामान, ठीक है। ये अभी बन रही है, तो एक एंट्री गेट ये बंद कर रखा है, जो कि आई डोंट नो कब खोलते हैं, किस टाइम खोलते हैं, बट हाँ। सो मैं पार्किंग में हूँ, बाइक लेने आया हूँ, एक्चुअली हमने यहाँ पे बाइक रेंट पे ली है आज आधे के लिए, उसके बाद आप बाइक लेके फिर यहाँ से वापस देके फिर होटल में चलेंगे।